देखिए ये लोकतंत्र का सीधा उपहास है। अब आप ये समझ लीजिए, ये संदेश विधानसभा के जो जनता है, ये इतनी भारी बहुमत से यहाँ के विधायक को चुन करके भेजा गया है और ये संदेश विधानसभा क्षेत्र में ये पुल आता है, लेकिन यहाँ के विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को निमंत्रण न दे कर करके ये क्या सरकार जताना चाह रही है? सरकार यही जताना चाह रही है, ये समाज का काम है और समाज के काम में ये जो सरकार इस तरह से काम कर रही है, मतलब राजतंत्र लाने के फिराक में, राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन यहाँ संदेश विधानसभा का इतने भारी बहुमत से जिता कर भेजी, इसलिए संदेश के जनता में काफ़ी आक्रोश है कि क्षेत्रीय विधायक को निमंत्रण न दे कर करके बढ़ारा विधानसभा के माननीय विधायक का नाम दिया गया है। और आप बोर्ड पर नाम देख लीजिए, पेपर में नाम देख लीजिए, आज दो दिन से पेपर चल रहा है। हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है आज वाला में आए फिर निमंत्रण दे लोग, लेकिन हमारे विधायक का नाम नहीं दे करके ये लोग संदेश के जनता के लिए, हमारा ही नहीं पूरे संदेश के जनता का अपमान हुआ है, ये लोकतंत्र का अपमान है। दूसरा बात देखिए, यहाँ पर हाई स्कूल को ध्वस्त कर करके ये पुल का निर्माण हुआ है, जबकि ये पुल का सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि शिक्षा के अवसर पर शिक्षा का कोई यहाँ महत्व नहीं है। अभी हाई स्कूल टूट गया है लेकिन इसका कोई महत्व सरकार नहीं दे रही है, जबकि सबसे पहले स्कूल का निर्माण होना चाहिए था। ये मेरा मांग है कि सरकार इसके साथ साथ स्कूल का भी, मतलब कि कब इसका ये करता है, ये इसको जवाब दे सरकार कि ये स्कूल के लिए कब निर्माण का कार्य करता है। पर्चे बता दें। मैं जहांगीर आलम कोई